को भी नहीं छोड़ा, माता सीता को भी नहीं छोड़ा। तो लोगों का काम है जिसका काम है कहना, वो कहता रहे, हमारा काम काम करना। और मैं विकासपुरी में आपसे वादा करता हूँ, मैं काम करने आया हूँ। और जिस दिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा, देखो एक ही दिन में ये बिल्डिंग तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बहुत सारे हमारे साथी आपने देखा होगा वहाँ पे बैठे थे कि नाला नहीं बना। अरे नाला तो नाले के हिसाब से तो बनेगा ना। कॉलोनी बस्ती कितने साल हो गए, 2 साल हो गए ना, अभी तो बहुत सारे प्लॉट खाली। तो जब एक काम स्टार्ट होता है तो उसके बाद उसका अंत भी होता है। तो ये मकान जब बनना शुरू होगा तो कम से कम 6 महीने 8 महीने इसमें लगेंगे, जब भी तो मकान बन पाएगा। तो बहुत सारे साथी बैठे थे, महेंद्र यादव चोर है, महेंद्र यादव चोर है। चोर कहने से चोर नहीं होता कभी, चोर तो जो है वो अपने आप अपने दिल में, जिसके दिल में चोरी होती है उसकी शक्ल अपने आप बता देती है कि ये चोर है। तो कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बके, मैं काम करने आया हूँ और काम के नाम पे वोट मांगता हूँ। जब भी मांगता हूँ काम के नाम पे मांगता हूँ, खुले मंच पे खड़ा होकर कहता हूँ काम किया है तो वोट देना, नहीं तो बिल्कुल मत देना। और आज भी ये कह रहा हूँ आपको, मैं पानी दे दूँ, पक्की मैं नहीं कह रहा सब कुछ, पानी में पीने को दे दूँ आपको, लाइट लगवा दूँ, CCTV कैमरे लगवा दूँ, तो आने वाले समय में जो अग्निगम की वोट मांगने आएंगे तो दे देना, और नहीं लगवाऊँ तो बिल्कुल मत। वोट क्यों दे अगर कोई हमारी सुनता ही नहीं, तो क्यों दे? जब सुनेगा, जब समाज के काम आएगा। तो अगर कोई ये बहन गई है हमारे पास, मैं ये नहीं कहता कि सारे काम सबके सबसे होते हैं, सारे काम तो उससे भी नहीं होते। तो सबसे बड़ी जो ताकत है, सारे काम उससे भी नहीं होते। उससे भी अगर कहीं कुछ हो जाता है, घर में नुकसान हो जाए तो भगवान ने कर दिया, अच्छी सी इनकम हो जाए तो मैंने कर ली, ये समाज का दस्तूर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, माँ बहन बेटी की इज्जत करने के लिए आया हूँ, बुजुर्गों का मान सम्मान करने आया हूँ, और अपने परिवार की जो भी दायित्व तो मेरा है उसको निभाने के लिए ईमानदारी से आया हूँ। बाकी शोर मचाने वाले अपना शोर मचाएं, जब चुनाव आएगा फिर बताएंगे। 4 बार जीता हूँ मैं, कितने साल में? 10 साल में। 2012 में पहली बार जीता था, और वो भी पंखे के निशान से जीता था, कोई पार्टी वोटी नहीं थी, तो किसी के लिए कुछ किया होगा, जब भी तो वोट दिया होगा उन्होंने। उसके बाद फिर आपने 400 वोटों से जिताया, 2015 में तो आप लोगों ने 80,000 वोटों से जिताया, अब की बार 42,000 वोटों से जीते। तो अब की बार और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा वोटों से लोग जिताएंगे। तो काम, आप काम बताओ, हम काम करेंगे, हम काम ना करें तो आप वोट ना दो, हम काम करें तो आप वोट दो, सीधा सा फंडा है। तो फायदा हो रहा है ना केजरीवाल के आने से, नुकसान हो रहा है? भाई मोहल्ला क्लिनिक में दवा लेने जाते हो, मोहल्ला क्लिनिक दवा लेने जाते हो, अगर कोने में कोई डॉक्टर बैठा है उसके बाद पर्ची बनाने जाओगे, वो पर्ची बनाने की 50 रुपये तो लेगा ना, लेगा नहीं लेगा? मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो, चाहे मान लिया घर में 50 रुपये की दवाई आती है, वो तो फ्री आती है ना। DTC बस में बहने जाती हैं, उसमें भी तो 2 रुपये बचते होंगे ना, अगर एक बहन सुबह से शाम दोनों टाइम बस में बैठ के आती है, अगर 40 रुपये में हो जाती तो महीने में 1200 रुपये हो जाती, बचाती है ना। ऐसे करके केजरीवाल सरकार में कम से कम ना तो एक परिवार 4 से 5 हज़ार रुपये आराम से हो जाता है, जिसकी 10,000 रुपये तनख्वाह उसकी 15,000 तनख्वाह हो जाती है। अगर ये चीज़ें फ्री ना हो, फिर बहुत सारे शोर मचाते हैं, सब फ्री बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं। अब हमने एक सिस्टम किया है, जिसने बिजली फ्री लेनी हो फार्म भर दो, जिसने बिजली फ्री ना लेनी हो फार्म भर दो, वहाँ भरो, मतलब है जिसके पास पैसा है। तो हम फ्री अपनी जेब से कोई नहीं देता, सब आपका टैक्स का पैसा है, आप ही टैक्स देते हैं। अब कुछ भी खरीदते हैं, जैसे बोतल खरीद के लाए, माचिस खरीद के लाए, उसमें सब टैक्स देते हैं आप, वो टैक्स का पैसा आपके घर तक हम पहुँचाते हैं, बस इतना करते हैं, जेब से कोई नहीं देता। तो मैं यही कहने के लिए आया था, केजरीवाल ने आप लोगों के लिए हर कोने पे, हर मौके पे, अभी जैसे छठ बनेगा, 25 करोड़ रुपया छठ के लिए दिया है, 25 करोड़ रुपया दिया छठ के लिए। तो जब छठ बनेगी तो वहाँ आशीर्वाद देगी, आपको भी देगी, हम बनवाएंगे तो हमें भी देगी। और जब आशीर्वाद मिलता है, जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और गरीब की दुआ मिलती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आपने इतनी बड़ी संख्या में शुरू से ही आए, बहुत अच्छा लगा, और मैं और कोशिश करूंगा और ज़्यादा आप लोगों के लिए काम करने के लिए। धन्यवाद। अब चाय बोले सर,
मैं विधायक जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमें